Hi guys, welcome to Unacademy Studios Vault. My name is Narendra Kumar and आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस जम्बल्स. ओके, इसके ट्रिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं. अब ये बताओ कि आप लोग इस टॉपिक से अवेयर हो कि नहीं. कितना लोग इस टॉपिक से अवेयर है, लेट मी नो. ठीक है, चलो फिर हम स्टार्ट करेंगे. पता चलना चाहिए कि आपका स्टेटस क्या है, कितना टॉपिक आपने सुना है, कितना जाना है और कितना कंफर्टेबल हो. नहीं तो मैं कंफर्टेबल तो करा रहा हूँ आपको. ऑलराइट, चलो बताओ क्विकली कितना लोग आ गया है. एंड मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये रहने वाला है, 10 लोग आ गए भाई. सच्चिदानंद हेलो, गुड आफ्टरनून. रंजीत यू आर बैक. अजीत यू आर ऑल्सो बैक. राहुल एंड भाग्यश्री. अनिल ओके. शिखा ओके. हेलो गुड, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. सो दिस इज माय टॉपिक, सेंटेंस जंबल्स. ये कैसा होता है, कैसा दिखता है, थोड़ा बताना. चलो थोड़ा सा बात करते हैं. ठीक है, वी नीड टू नो द पर्सन. हम जिसके साथ बात करना चाह रहे हैं, रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, उसको हमें समझना है ना पूरा का पूरा. ठीक है, तो वही है, हम हर टॉपिक से दोस्ती करेंगे, बातें करेंगे, उसको समझेंगे. ऑल राइट, चलो इट्स वर्किंग फाइन. मैंने भी चेक कर लिया हर टॉपिक को. और सुनो सुनो सुनो, एक प्रिंट आउट निकालो. अब सबके पास लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, एक लिस्ट बनाओ. ठीक है, हो सकता है मैं पीडीएफ कर दूंगा आपको, बट मैं तो बहुत लेटर ऑन करूंगा. आप लोग क्या करो कि स्पेशली इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं. मैंने बोला था ना कि हर चीज़ का एक डिसिप्लिन होता है, हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है. इफ़ यू फॉलो दैट ओनली देन वी अचीव सक्सेस. ये मैंने बोला हुआ है और आप कन्विंस हो जाओ. ठीक है, बट आई विल से 1000 times जब तक आप कन्विंस नहीं हो जाओगे. तो सुनो, तो क्या करना है कि एक इंग्लिश वाला सिलेबस या फिर इंग्लिश क्लासेस, नरेंद्र सर कुछ भी, एक फोल्डर बनाओ, वर्ड फाइल, और उसमें है ना मेरी सारी क्लासेस के टॉपिक्स लिखो वहाँ पे, जितने टॉपिक्स होते हैं. कई बार क्या है, हम पीछे का देखते जाते हैं और भूलते भी जाते हैं, आगे चलते जाते हैं एंड वी फॉरगेट एवरी टाइम. सो व्हाट यू डू, मेक नोट्स, मेक, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले. सर ने क्या कहा, लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट, ऑड वन आउट, ना पैराजम्बल में तो अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, सिर्फ 2 क्लास किए हैं, कम से कम 10 क्लास कराने वाला हूँ मैं. सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लोगों को लगता है, मैं कहता हूँ सबसे ईजी टॉपिक वही है, सबसे ईजी टॉपिक. बिलीव नहीं करते हो, अगर आपने पुराने 2 वीडियोज मेरे देखे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ. लगभग कम से कम 10 क्वेश्चंस कराओ, 10 क्लासेस कराऊंगा पैराजम्बल पे. ओल्ड मतलब ओल्ड पैटर्न, न्यू पैटर्न, ईजी, डिफिकल्ट, कैट, जीमैट, सब करा के दूंगा मैं आपको. ऑल राइट, सो नाउ लिसन टू माई स्टोरी. उमाशंकर नायक स्टॉप्ड, क्या हुआ भाई, क्या स्टॉप हुआ है, वीडियो स्टॉप हुआ है या वॉइस, आई डोंट नो, प्लीज बी क्लियर. तो याद रखो, उसमें लिखो जितने टॉपिक, जैसे सेंटेंस जंबल्स आ गया, लिखो सेंटेंस जंबल्स और वीडियो का नाम लिख दो, लिंक डाल दो वहाँ पे, तो जब आपको रेफरेंस देना हो ना तुरंत पहुँच जाओगे, भटकना नहीं पड़ेगा. आप क्लिक करोगे वर्ड फाइल में, क्लिक में, और आप यूट्यूब पे आ जाओगे. तो लिंक रखो और नाम रखो, एटलीस्ट आप अपने टॉपिक पता होना चाहिए. सेम गोज फॉर द रीजनिंग पार्ट. रीजनिंग का भी एक लिस्ट बनाओ, जिस भी सर को फॉलो कर रहे हो ना कम्प्लीटली, उन सर का सारा लिस्ट लिखो, किस ऑर्डर में उन्होंने पढ़ाया है, किस चीज़ को हाईलाइट किया है, वो सारी चीज़ें लिखो, टॉपिक सारे लिखो. YouTube इतना एक इनफाइनाइट सा समुंदर है ये, इसमें कुछ भी खो जाता है, पूरा दुनिया इसमें खो जाएगा. ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए नोट्स बनाओ काम की चीज़ों का. आई होप आप करोगे. ओके, आज कितना 12 बज गया, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक 5 घंटे होते हैं. कितने लोगों ने न्यूज़पेपर रीड किया और कौन सा टॉपिक था, क्विकली आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट. हर कोई पार्टिसिपेट करो, साइलेंट मत बनो, नहीं तो आप लाइफ टाइम साइलेंट ही रह जाओगे, कोई आपको ऑब्जर्व नहीं करेगा. बी ऑसम. ठीक है, बताओ भाई. चलो आप कमेंट में तब तक लिखो कि आपने कौन सा न्यूज़ हिंदू कौन सा न्यूज़पेपर पकड़ा और उसमें टॉपिक क्या पढ़ा था. एंड बुकैब नोट्स क्या कहते नहीं, बुकैब, टॉपिक और ये लिखो. ठीक है, कीवर्ड लिखो बुकैब कॉमा टॉपिक नेम टेररिज्म ऐसे सपोज द हिंदू. मुझे सबसे चाहिए. तब तक मैं इधर बातें करता हूँ. जो लोग फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइमर्स है, गाइज दिस इज़ माय नेम नरेंद्र कुमार ओके. एंड आई एम, ठीक है, आई टीच एवरी डे 2 आवर्स. ऑल राइट, सी 12 to 1 जो राइट नाउ चल रहा है हमारा, ठीक है, आफ्टरनून में, एंड देन 9 to 10 PM इन द लेटर इवनिंग. 9 to 10 PM बहुत बार इम्पोर्टेंट पार्ट है. एक्चुअली इंपॉर्टेंट तो दोनों इक्वली है, यू कैन नॉट मिस एनी सेशन. इफ़ यू मिस द सेशन, सोच लेना आपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी. डोंट डू दैट. ठीक है, दी जॉब्स आर आइडेंटिटी, हमारी पहचान है, ये रिस्पेक्ट है हमारा. ऑल राइट, सो ध्यान रखना कि वो रिस्पेक्ट लेना है, वो आइडेंटिटी लेना है, इंडिपेंडेंट बनना है, किसी के ताने नहीं खाने हैं. ऑल राइट, ये उमर शंकर भाई क्या कहना चाह रहा है, स्टॉप्ड, प्लीज बी क्लियर, थोड़ा और बोलो ना भाई.
so that I can understand you better. Next, देखो हाँ तो ये मेरी tricks है ठीक है चलो बाकी के लोगों को आ जाने दो मैं फिर मैं tricks start करूँगा. उमा शंकर आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो. अरुण कुमार रचक कल आप शायरी कर रहे थे ई एफ ए को एग्जाम 31 को है उसके पहले इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाओ. तेजस्वनी पाटिल ठीक है 31 को है मीन्स एक मिनट आप कितना होगा 27 जुलाई हो गया ना. देखो मैंने अनअकैडमी प्लस पे जाकर के एक न्यू पैटर्न इंग्लिश के 40 आवर्स का कोर्स बना दिया है. उसमें आपका NICL मतलब इंश्योरेंस एग्जाम हो या बैंक एग्जाम हो कैट एग्जाम हो या फिर अपना SSC एग्जाम हो सारे टॉपिक्स मैंने ब्यूटीफुली वहाँ पे पढ़ा रखे हैं और 2 आवर्स का एक टॉपिक है. तो आपको लगता है कि बहुत क्विकली आपको कुछ बहुत स्पेशल चीज़ चाहिए ना राइट नाउ सब्सक्राइब ठीक है मेरा कूपन कोड यूज़ करो सब्सक्राइब करो जाके वॉच कर लो. बाद में लाइफ में पछताना मत और 2-4 हज़ार रुपये बचा के आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे. हम 20 हज़ार का फ़ोन खरीद लेते हैं और हमारी लाइफ का जो सबसे बड़ी बात है हमारा जॉब उसके लिए हम खर्च नहीं करते हैं ठीक है. तो सो थिंक अबाउट इट आपका कमिटमेंट लेवल या आपकी माना कि आप लोग कई जगह बार बार चीज़ों को पैसा एडमिशन ले चुके हो तो दैट डजंट मीन कि गिव अप करते हैं लाइफ में. अरे कहीं पर 10 हज़ार रुपये दे दिए दैट डजंट मीन कि हमारा प्रॉब्लम हो गया. अगर हमें बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिला ना तो वो तो बेकार था ना आपने गलत इन्वेस्टमेंट किया था ठीक है ना. अच्छा एक और बात है अगर उसे सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो तो फिर मैंने क्या करो 20 वीडियोस ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं 20-25 वीडियोस मेरा इसी चैनल पे अनअकैडमी स्टूडेंट्स वर्ल्ड पे जाओ नरेंद्र कुमार नाम से वहाँ पे बना होगा न्यू पैटर्न इंग्लिश गो एंड वॉच. आई कैन टेल यू तुम चार दिन के अंदर भी तुम 10 मार्क्स बढ़ा के आ जाओगे इफ़ यू कैन वॉच ऑल द वीडियोज लेट्स से 20 आवर्स. नेक्स्ट 4-5 डेज में अगर आप 20 आवर्स वॉच कर लो मैं 7-8 मार्क्स बढ़ाने की गारंटी देता हूँ. आप आकर के कमेंट करना यहाँ पे ठीक है बढ़ा के नहीं अगर आप ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो क्योंकि मुझे ट्रस्ट है उन बातों पे. ओके राहुल ने पढ़ाया था अनरैवलिंग किडनी रैकेट. ओके रितु रॉय मैं नहीं करूँगी 2 अगस्त को एग्जाम है MTS का उसके प्रैक्टिस कर रही थी. ओके ऑल राइट EPFO का एग्जाम है तो देखो राहुल ने देखो टॉपिक बना लिया है. उमा शंकर नायक करियर पावर सईद नगर. अच्छा ओल्ड स्टूडेंट हो अच्छी बात है लेकिन स्टॉप्ड क्या होता है. चलो ठीक है मैं अब स्टार्ट करता हूँ अपनी दिव्या यू आर बैक. रंजीत बुकैब द हिंदू एंड सरोगेसी बिल ऑसम. अब देखो इसने सरोगेसी बिल पढ़ा तो नाउ ही विल नो एवरीथिंग कि इंडिया में सरोगेसी बिल होता है ठीक है ना. तो वो उसमें क्या क्या लूप होल्स हैं पक्का इसने पढ़ा होगा. अगर सरोगेसी ऊपर कभी ऐसे आ जाएगा ना या फिर सबसे बेस्ट पार्ट है अगर ये वो देने जाता है SBI का PO और वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है ऐसी जगह ये वाले ग्रुप डिस्कशन में ये टॉपिक आ जाते हैं. तो दिस गाय क्या नाम है इसका रंजीत ठीक है ना बहुत कंफर्टेबली बहुत कुछ बोलेगा ये बिकॉज सरोगेसी बिल क्या है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था ये एंड ठीक है व्हाट आर द एडवांटेज एंड व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड और यहाँ पे क्या इसमें गलत हो रहा है कैसे लोग गलत पैसा कमा रहे हैं सरोगेसी बिल में सारा कुछ ये बोल पाएगा. तो ही विल बी द विनर ऑफ दैट ग्रुप डिस्कशन ठीक है. तो जस्ट लाइक रंजीत आप भी विनर बन जाओ स्टार्ट रीडिंग अदरवाइज लाइफ बहुत बुरी हो जाएगी समझो ठीक है डिप्रेस हो जाओगे एंड कहीं के नहीं बचोगे ध्यान रखना. चलो भाई हाँ अब मैं चलो जिनके भी कमेंट्स हैं आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है लास्ट वन ईयर से आई गैस मुझे ऐसा लग रहा है और ये कैट एग्जाम में आता था. इसके जो कैट एग्जाम वाले क्वेश्चन से कराऊंगा मैं आपको. मैं बोल रहा हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम वर्सेस सुन लो मेरी सारी इंग्लिश पता है एक्सपेक्टेड टाइप पे भी फोकस्ड है और जो आ रखा है उस पर भी फोकस्ड है. तो मैं कहता रहता हूँ ये तो ऑलरेडी आ चुका है हे और दिस माइट बी आस्क्ड इन द न्यू एग्जाम ऑलराइट. सो परेशान मत हो ना जितना अननोन चीज़ें कहना एक्साइटेड हो जाना ओके फ्यूचर इज हेयर. जैसे अननोन टॉपिक आपको मिले जो आपने कभी नहीं सुना आपको किसी टीचर ने पढ़ाए नहीं होंगे ये सब तो आप तुरंत समझ जाना कि फ्यूचर इज हेयर आपके फ्यूचर वाले क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं. तो पहले से रेडी हो जाओ एग्जाम में जाओगे चौड़े होकर के आई नो व्हाट इज अबाउट टू कम और कुछ भी आ जाए मैं इस अप्रोच से सब करके आ जाऊंगा वो कॉन्फिडेंस आपको दिलाना है. अच्छा तो एक काम करो उमा शंकर को कोई गाइड कर दो कि लैपटॉप पे फ़ोन पे किसी रूम पार्टनर पे कहीं हेल्प ले लो मम्मी पापा बहन भाई किसी का तो फ़ोन होगा ना इसको थोड़ा कमेंट कर दो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक. ऑल राइट अच्छा हाँ जल्दी से बताओ हमारी बेसिक बातें हो गई ये बातें हमारी हर रोज़ होने वाली हैं ठीक है. ये हमारा एक बैच सा स्टार्ट हो गया है ये फ्री चैनल है बट फिर भी यू गाइज आर रेगुलर. तो देखो सेंटेंस जंबल्स कितने लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ है ठीक है ये न्यू पैटर्न में आता है. ओके पॉल दिनाकर लाइव क्लास का टाइम मैं आपको फिर से बता देता हूँ प्लीज़ कम बैक
ये नोट कर लो, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली अप्रोच, ठीक है ना। ग्रामर वाला 9 to 10 PM चलता है, नाइट में 9 to 10 PM ग्रामर के ऑसम टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, वहाँ पे आ जाओ। एंड दुनिया के सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स है, अननोन टॉपिक्स है, जो एग्जाम पूछता है हमें पता नहीं होता है, उनका इंट्रोडक्शन मैं कर रहा हूँ 12 to 1 राइट नाउ, ओके 12 to 1 PM। अब सबको क्लियर है? ऑल राइट, ठीक है, ओके ओके फाइन गाइज। पता ही क्या स्टोरी है, सब अलर्ट हो जाओ, मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं ऑसम तरीके से सॉल्व करना, लेकिन इजी क्वेश्चन होंगे एक्चुअली, बट ट्रिक मेरी याद रखना, ट्रिक याद रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो बच्चों वाला 10th क्लास का क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर आप हायर लेवल MSc का मैथमेटिक्स सॉल्व करो, योर ट्रिक शुड बी सेम। अब सुनो क्या है, चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। ऋतु रॉय हेलो, अच्छा राहुल ने देखा हुआ, टेस्ट में देखा था ना, आज देखो मैं आपको श्योर शॉर्ट तरीका बताऊंगा। पता है बेस्ट पार्ट क्या है, 10 सेकंड में आंसर कराऊंगा मैं, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में पूरा क्वेश्चन आप एनालाइज नहीं कर सकता, एंड आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 10, 8, 9 or 15 सेकंड और 30 सेकंड में भी, अगर थोड़ा सा बड़ा है या फिर अजीब सी एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है। बट एक मिनट तो मैं कभी किसी, अरे एक मिनट तो मैं बड़े पैराग्राफ में नहीं लगने देता भाई, जिस पैराग्राफ में देर आर लाइक 20 sentences, इफ़ वी रीड द पैराग्राफ इट विल टेक 2 मिनट्स, बट इफ़ यू फॉलो माई अप्रोच 60 सेकेंड, 90 सेकेंड, यू नो 50 सेकेंड्स में, 40 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाता है। चलो भाई अंकित, ओके आप भी वेलकम अंकित, आओ भाई तो सुनो स्टोरी क्या है, सब लोग इमेजिन करो। अच्छा एक चीज़ और स्टार्ट कर देता हूँ पहले, बोलने से पहले, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कितना लोग इमेजिनेशन वाली ट्रिक यूज़ करता है, कि वेन एवर यू रीड अ टेक्स्ट ना उसको पिक्चराइजेशन करो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि द फार्मर्स इन इंडिया आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे स्लीप इन द फील्ड इन द नाइट, ठीक है, एट नाइट दे फील्ड दे स्लीप इन द फील्ड, फार्मर्स आर इन इंडिया वेरी हार्ड वर्किंग, तो आप इमेजिन कर लो कि खेत है, एक फार्मर है, रात को सो रहा है। ये ट्रिक साइंटिफिक है, आप यूज करते हो, मुझे पता है, और मुझे कमेंट में बताओ कितना लोग ये चीज यूज करता है। पता है ऐसा क्यों, हमारा माइंड उस सेंटेंस को ना पिक्चर्स के थ्रू सेव हो जाती है, वो चीजें, वो इन्फॉर्मेशन हमें दोबारा याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, वी डोंट हैव टू रीड दैट सेंटेंस ऑल ओवर अगेन, एक बार हमने वो इन्फॉर्मेशन याद हो गई। अब आप ओनली टेक्स्ट पढ़ोगे ना डिटैचमेंट करके, तो फिर आप भूल जाओगे, पीछे की लाइन भूल जाओगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ता है और कहता है सर पीछे का डिलीट होता चला जाता है, आगे बढ़ता हूँ और पीछे की सफाई होती आ रही है, ठीक है ना, तो वो यही वजह है। कोशिश करना और मुझे नेक्स्ट वीडियो में आके बताना कि सर इट वर्क्स, आपका जो पिक्चराइजेशन वाला वो आइडिया था ना, वो साइंटिफिक वाला, ये मेरा नहीं है तो वर्ल्ड में सबका है भाई, ठीक है, वो बहुत इफेक्टिव है, आई ऑलवेज डू दैट, यू ऑल्सो डू दैट, बहुत काम आएगा, ठीक है, पिक्चराइजेशन किया करो। रितु राहुल करता है, अंकिता करता है, सिविल रिजर्व अकेडमी लोकेशन, ओके। अच्छा मैं तो राइट नाउ भुवनेश्वर से पढ़ा रहा हूँ, मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से पढ़ा रहा हूँ मैं, ऑल राइट एक मिनट तो कभी नहीं लगता, देखो अंकिता की, अंकिता का कमेंट सुनो, एक मिनट तो कभी नहीं लगता, मैं चाहता हूँ हर किसी का यही कमेंट हो। चलो गाइज फाइनली एवरीबडी इज हियर, नफीस यू आर बैक, एंड बिल्ला, वेन बिल्ला इज मिसिंग आई थिंक, उसको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, पूनम ओके ऑसम। गाइज सुनो, अब इमेजिन करो कि वी हैव अ सेंटेंस, ओके, एंड द देर आर 4 or 5 parts ऑफ दैट सेंटेंस, ठीक है, ऑल द पार्ट्स आर जम्बल्ड, not in proper order, we are supposed to read all this information and analyze and then create a single sentence meaningfully grammatically correct. मैंने कहा ठीक है भाई इतना इज्जत क्यों देना, मेरी क्लास में पढ़ते हो तो इतना इज्जत नहीं देना है, what you do, ठीक है हम लोग कुछ एक दो hints देखेंगे, कह देंगे ये इसके साथ बैठेगा, ये इसका relationship हो गया खत्म, ये husband wife हो गया खत्म, pairs बना देंगे हम लोग, और फिर कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जिनकी शक्ल देखते ही बोलूंगा hey you cannot rule out, you cannot be the opening sentence, you cannot be the opening part of the sentence, ठीक है ना। आओ भाई सब लोग सामने देखो, नेक्स्ट 5 मिनट और सुनो, देन हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, एंड 10 सेकंड के अंदर में कितना स्टूडेंट करता है मेरा वो चैंपियन होगा, चैंपियन में, और लिखना खुद ही करना कि सर 10 सेकंड में किया मैंने, ओके। तनुजा यू आर बैक, गुड आफ्टरनून, नाउ लिसन टू द स्टोरी, लुक फॉर द सब्जेक्ट, अरे यू नो व्हाट, यू नो द स्टोरी कि व्हेनेवर वी हैव अ सेंटेंस ना देयर इज ऑलवेज अ सब्जेक्ट यार,
ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं हमारा। सरोगेसी बिल जो अभी ये बंदा बोल रहा था रंजीत, सरोगेसी बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा लास्ट ईयर इन टर्म्स ये ब्ला 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 ऐसे लिखा हुआ है। तो हमेशा वेन एवर देर इज अ सेंटेंस ना, वी नो वन थिंग फॉर श्योर, देर इज अ सब्जेक्ट। अच्छा नॉर्मली सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, बड़े बड़े नाउंस होते हैं कि नहीं, सरोगेसी बिल, द पार्लियामेंट, द यूनाइटेड नेशंस आई सेड, द कपिल शर्मा सेड समथिंग, द सचिन तेंदुलकर, रिमेंबर, तो दीज आर द प्रॉपर नेम्स and you can easily notice these proper names in a sentence. तो क्या करना कि मुझे पता है कि यार बड़ा सा noun है, उसकी possibility है sentence को start करने की। अच्छा सुनो, कहीं पे verb लिखा हुआ है, ठीक है, is being done, तो is being done open नहीं करेगा ना, तो उसको ruled out कर देंगे। कहीं preposition लिखा हुआ है, उससे start नहीं होगा। कहीं conjunction लिखा हुआ है, and it was my best class ever, आप जाके बोलते हो and it was my best class ever, this cannot be opening, ठीक है ना, ये पीछे जाएगा स्टोरी में। तो हमारे कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, ठीक है, इनको देख करके हम लोग, और वर्ब्स इनको देख के रूल आउट कर देंगे। यस, एंड हम लोग यस कैसे टिक कैसे करेगा, ठीक है, व्हेन एवर यू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, तो एक काम करते हैं ना, जो लोग वर्ब दिखता जा रहा है रूल आउट, प्रीपोजिशन रूल आउट, ये रूल आउट, एंड हाँ कोई बड़ा सा नाउन दिख रहा है उसको कंसिडर करना, और उसको, और फिर ऑप्शन में जाएंगे हम लोग, ठीक है। आओ भाई, लुक फॉर द सब्जेक्ट, ऑलराइट। अब ये देखो, देन सर्च वर्ब्स, हम वर्ब सर्च करेंगे, पता है क्यों मैं बोल रहा हूं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कहीं पर लिखा हुआ, सुनो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सब्जेक्ट हो गया, तो नेक्स्ट क्या आएगा, वर्ब आएगा ना बॉस, व्हाट डू यू थिंक, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड, सैड, आस्ड, किल्ड, कुछ तो होगा ना, तो आई एम एक्सपेक्टिंग आफ्टर दिस नाउन देयर इज अ वर्ब, वेयर इज वर्ब, वो वर्ब रखिए, पास में रख देंगे हम लोग, ऑप्शन से आंसर लगा देंगे। चलो, लुक फॉर द वर्ब, लुक फॉर फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, पता है फ्रेजल वर्ब्स का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, अरे हर किसी का वीडियो बनाऊंगा, तो सुनो, पता है क्या होता है, जैसे लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, ऐसे होता है टेक आफ्टर, एक फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर, इसका मीनिंग कौन बता सकता है मुझे, ये हर एग्जाम ने इसको मिलियन टाइम्स पूछा हुआ है, बताओ भाई लोग, टेक आफ्टर को कोई बता सकता है, पॉल, ओके यू आर फ्रॉम पुणे, ओके मैं क्या बोल रहा था, ये वाला बताओ, हाँ टेक आफ्टर, टेक आफ्टर मीन्स होता है टू रिजेंबल, ठीक है, शी टेक्स आफ्टर हर मदर, वो अपनी माँ जैसी दिखती है, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वो अपने पापा जैसा दिखता है, ठीक है। अब देखो कहीं पर टेक लिखा हुआ है और एक जगह लिखा हुआ है आफ्टर, तो कहोगे लगता है ये दोनों वाले पार्ट सेंटेंस के साथ में लिख दो यार, ठीक है, लुक इन टू, मुझे पता है लुक यहाँ पर, तो इन टू इधर साथ में आएगा ना भाई, तो हम प्रीपोजिशन का फायदा उठाएगा फ्रेजल वर्ब्स का, हम लोग वर्ब और सब्जेक्ट का फायदा उठाएगा, समझ गया, अरे बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं सेकंड्स में सॉल्व करना चाहता हूँ, बाकी स्टूडेंट इंडिया का एक एक मिनट लगाएगा उसको, एनालाइज करेगा, गलत भी कर सकता है, आप लोग गलत तो कभी करेगा नहीं, कोई चांस ही नहीं है, और 10 सेकंड में लगा करके तुम, ठीक है, एक मिनट में तुम 5 क्वेश्चन करोगे, और वो बंदा एक मिनट में एक ही करेगा, मैं चाहता हूँ मेरे वाले स्टूडेंट दुनिया में सबसे आगे बैठे। ऑल राइट, लुक फॉर पेयर्ड कंजक्शन, ये तो आपको पता ही है, इलिमिनेट द ऑप्शंस, ओके। अच्छा सुनो, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद ऑप्शंस एज वेल, कई बार क्या होता है ऊपर समझ में नहीं आ रही लैंग्वेज, तो नीचे ऑप्शन में चले जाओ, 3 ऑप्शन ई से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 ऑप्शन बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ई और बी को देखो ना सीधा जा करके, ये तो बहुत बच्चों वाली बात है, ये तो आप हमेशा करोगे। ये वाली एक लास्ट बात और सुन लो, ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है, माई क्वेश्चन टू यू इज, हाउ डू वी डिसाइड विच वन इज ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, हाउ डू वी डिसाइड एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हम कैसे पता कर सकते हैं, कोई है यहाँ पर जो बता सकता है, वी हैव, आई हैव अ, मेरे पास एक सेंटेंस जा रहा है सामने, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट है वर्ब है, लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट पता करना है श्योर शॉर्ट तरीके से, ग्रामेटिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, कि सर ये पक्का ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसने ये वाली बात बोली है, कोई है यहाँ पे, एनीवन क्विकली। तो रिमेंबर मैं बोल देता हूं कि वर्ब से बी आस्क द क्वेश्चन, ठीक है, यू आस्क क्वेश्चन व्हाट और हुम टू द वर्ब टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, जब भी कोई वर्ब हो ना उससे पूछना व्हाट, अगर आंसर आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है, वर्ब से क्वेश्चन पूछना, आस्क द क्वेश्चन टू द वर्ब हु, ठीक है ना, या फिर हुम इस तरह से, ठीक है, होम, अगर आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो पता चल जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट कौन है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ रोहित शर्मा, ठीक है, स्कोर्ड अ सेंचुरी, ठीक है, स्कोर्ड 5 सेंचुरीज इन वर्ल्ड कप,
5 या 6 की थी उसने, रोहित शर्मा ने. रोहित शर्मा स्कोर्ड 5 सेंचुरीज इन द वर्ल्ड कप 2019. तो देखो, रोहित शर्मा सब्जेक्ट, स्कोर्ड इज अ वर्ब. अब स्कोर से क्वेश्चन पूछेंगे वर्ब से, स्कोर से. स्कोर्ड व्हाट? 5 सेंचुरीज. द 5 सेंचुरीज इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, जब व्हाट से आंसर आ जाए ना, व्हाट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. जब हुम से आ जाए तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. समझ में आ गया सबको? इतना क्लियर है? जल्दी से बताओ. नो 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 नो, मेरी क्लास में कोई अवेयर ही नहीं था ये वाली बात. सब लोग अपनी कॉपी में लिखो. आपके पास एक नोट 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 होगा अभी, राइट ना, नोट पेन पेपर होगा आपके पास में. लिखो अपनी कॉपी में, ठीक है. लिखो हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट. ओके, वर्ब लिखो, वर्ब से दो क्वेश्चन बनाओ. ठीक है ना, इस तरह से वर्ब लिखो और वर्ब से दो क्वेश्चन बनाओ. इस तरह से देखो, यहां पर लिखो वॉट, ठीक है, वर्ब से वॉट पूछो और यहां पर वर्ब से पूछो हुम. वॉट से आंसर आएगा उसका नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसका नाम होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. लिखो सब लोग. यहां पर मेरा क्लियर नहीं लिख पा रहा है, ये पेन थोड़ा परेशान करता है. तो वर्ब लिखो, वर्ब से हमने वॉट पूछा तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वर्ब से हमने हुम पूछा और तो क्या होगा? वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. चलो अब क्विकली एक सेंटेंस लिखो. राइट नाउ क्विकली राइट अ सेंटेंस. रोहित शर्मा गिफ्टेड मी अ बैट, ठीक है, आफ्टर द वर्ल्ड कप 2019. रोहित शर्मा मेरा फ्रेंड है, मेरा फेवरेट प्लेयर है भाई, ठीक है, और उसने मेरे को एक बैट गिफ्ट किया. राइट नाउ राइट अ सेंटेंस और मुझे बताओ इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है. मैं आगे तभी बढ़ूंगा. क्लैरिटी रहनी चाहिए. क्वेश्चन के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो. थ्री डेट का क्या डायलॉग था? कामयाबी झक मार के आएगी, वो कुछ था ना थ्री डेट का डायलॉग. हाँ, क्वेश्चन तो बहुत आएंगे जाएंगे, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगी नरेंद्र सर का. तो रोहित सर लिखो, रोहित शर्मा गिफ्टेड मी अ बैट आफ्टर द वर्ल्ड कप 2019. अब बताओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताओ क्या है यहां पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम लिखो और ठीक है आई मूव ऑन. देखो भाग्यश्री ने कुछ आंसर दिया है. हाँ मजा आ रहा है. रंजीत ने गिफ्टेड वॉच, ऑब्जेक्ट बैट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पेन गिफ्टेड हु. आई थिंक सब लोग समझ गए. आप लोग इतना स्मार्ट हो यार, आप लोग बड़ा बड़ा रीजनिंग सॉल्व कर देता है, डीआई सॉल्व कर देता है, ये बच्चों वाली बात तो समझ जाओगे, लेकिन आई विल ऑलवेज मेक श्योर कि आपका कॉन्सेप्ट रिविजन हो जाए और क्लैरिटी आ जाए. क्लैरिटी जब भी घर से बाहर आप वॉक करो तो बहुत क्लैरिटी के साथ में, कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो सब बात आपको पता होनी चाहिए. सेम गोज फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज. चलो आई स्टार्ट नाउ. तो मैं यहीं पर कहना चाह रहा था. अब सपोज मैं ये पता है क्यों इतना बोला हूँ, 5 मिनट तक क्यों बोला हूँ, सुनो, देयर इज अ लॉजिक. ठीक है, क्यों बोला हूँ सुनो, कि गाइज एक वर्ब होगी, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, लेकिन कई बार क्या ऑब्जेक्ट भी तो होगा ना. तो अगर मुझे कोई वर्ब दिख रही है, मैं पूछ रहा हूँ वॉट हुम, और अगर आंसर आ रहा है कहीं पर तो वो उसके पास में आ जाएगा. चलो नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक्स. ऑलराइट नेक्स्ट. हाँ तो एक लास्ट वाला ये मेक मैंडेटरी पेयर्स, ये तो सबको पता ही है. हाँ ये मैं बताना चाह रहा था. नरिन लाइव, जो लोग कह रहे थे ना कि सर बहुत जल्दी एग्जाम्स आ रहे हैं हमारे, मेंस है एसबीआई का, क्या करूं, मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है, ट्रस्ट मी. ठीक है, जाओ सब्सक्राइब कर लो उस पूरे को, वॉच कर, दो दो घंटे करें, 40 आवर्स है, नॉन स्टॉप लग जाओ, 3-4 दिन में ख़त्म कर दो. ठीक है, 6, 8, 9, 10, 12, 15 मार्क्स बढ़ सकता है आपका. ठीक है, डिपेंड करता है आपका कितना लेवल है, कितना कमिटमेंट है. ये कूपन कोड जरूर लगा रहा नरेन लाइव, ठीक है, ये आपको डिस्काउंट दिलाएगा. और आपके यार दोस्त भाई बहन भी होंगे ना घर पर, सबको बता दो भाई कि अगर ये वाला एग्जाम है, एक काम कर, ये वाला कोर्स पूरा कर ले. इंग्लिश में पंगा नहीं होगा, मैथ रीजनिंग वो खुद ही संभाल लेगा. ऑलराइट चलो ये रहा नाउ. चलो अब डिस्कस करते हैं. गायत्री सुबू, ओके ओके, नो प्रॉब्लम. गायत्री इज इट योर फर्स्ट क्लास? ऑलराइट, ओके गाइज, रीड द डायरेक्शन केयरफुली, रीड द डायरेक्शन, रिलैक्स हो जाओ. ठीक है, और आई वांट आंसर्स, अभी मत देखना, अभी मत देखो, मैंने छिपा लिया. वेट, आई वांट आंसर इन 10 सेकंड्स और मेरा यूज माय ट्रिक्स एज वेल, द सब्जेक्ट, द वर्ब, द ऑब्जेक्ट, द प्रीपोजिशन, यू नो ऑल दीज थिंग्स. इन द क्वेश्चन गिवन बिलो सम सेंटेंस फ्रेज आर गिवन विच वी हैव टू बी अरेंज्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट डिफाइंस द प्रॉपर सीक्वेंस. ओके, बी अवर सेंटेंस, बी अवर सेपरेट सेंटेंस पार्ट्स,
okay, rearrange, make a meaningful sentence, that's it, and find out the best option. Okay, ठीक है, we will solve in within seconds. आओ भाई, okay रवि, I'll talk to you later. थोड़ा सा बताना बाद में. Okay, this is question number first. अब आओ चेक करें. Your eyes should look for subject only, then the verbs, and in the mind cancel out everything. देखिए, cancel out everything. ठीक है, which the, what do you think? अच्छा, look for the proper nouns, look for the subjects, like universe looks subject, and then ये वाला the mind. Now I know for sure, I think either mind or either universe will start the sentence. इतना पता चल गया, बताओ करेक्ट आंसर क्या है क्विकली. लुक फॉर द सब्जेक्ट वेन एवर यू सपोज देर इज देर वॉज ओनली वन नाउन, वन प्रॉपर नाउन अवेलेबल और कॉमन नाउन वट एवर अवेलेबल, द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स वर द ऑब्जेक्ट, लाइक यू नो दे वर लाइक कंजक्शंस, प्रीपोजिशन एंड वर्ब्स, देन दैट पार्ट विल स्टार्ट द सेंटेंस. ओके, all right, the mind in, see, the mind in which, in which the, okay, the mind, check, please check quickly, quickly, the mind in which the universe find its truth and explanation is not foreign to it. Theek hai, I hope everyone got the correct answer. What do you think quickly? I will analyze all the questions, so don't worry. ठीक है, relax now. I have a sentence. Those guys who have correct, who have got correct, relax. Those who are confused, now listen to my story. I have a sentence, okay. And then which the ruled out. This is the noun and this is the noun. I know nouns means subjects. You know they will start the sentence. So only C and only B I'll consider. D ruled out. You know, E ruled out and B ruled out. I'm left with CA and CA. You can use options as well. All right, for hint. In fact, options plus my tricks. 10-second answers. Okay. All right, next. I have question number two. Question number two. I want answer in 10 seconds. Quickly. Quickly. Okay, Billa, you are back. You missed the opening part of the session, please watch that. No part of it's a true when. Okay, do not solve, look for the subject only. You can get the answer in 10 seconds. Do not be serious, just follow my steps, follow the way I do things. Okay, the parts of it, is there any noun? No. True when, truth is noun, true is not noun, true is adjective. I'm looking for noun because noun becomes the subject, na? All right. Discarded as this cannot be, this cannot be, this cannot be. ठीक है? All right. And this cannot be. And I took only 5 seconds. My eyes are very, very focused. All right. I took only 5 seconds and ruled out. And only this part. The D part can start. All right. And E ruled out, B ruled out, C ruled out. A ruled out. 5 seconds, 10 seconds. Within 10 seconds, how many of you have got the answer within 10 seconds? I want the thumbs up. Okay. How many? Sir, namaste. Rahul, hi Ansul. Okay. How many of you have got the 10 seconds? Nobody can solve in 10 seconds. I can guarantee. Okay, but you guys can solve. You will always be way ahead in competition. तुम लोगों से 10 मिनट आगे रहोगे, 10 मीटर नहीं, वो रेस में 10 मीटर आगे होता है, बट इन एग्जामिनेशन यू विल बी 10 मिनट्स अहेड. ओके, तुम 10 मिनट में पहले ही सॉल्व कर लोगे चीजों को. अंशिका, ऑसम. देखो अरुण, ऑसम. आई थिंक अरुण, इट इज योर सेकेंड क्लास. आई टीच स्टोरीज विद इन सेकेंड एक्चुअली. ऑल राइट, देखो राहुल ने 2 सेकेंड में कर दिया. थैंक यू राहुल, awesome, I'm impressed. Indranil, okay, welcome. I want these stories. अरे मैं ये कहता हूँ, listen to story. ठीक है, our question paper is the mixed bag.
difficult, the big question, the small question, and it's a bag of mixed bag of many things actually. But those questions which are easy to solve, now within second, why don't you solve them within second? You know, save precious time, and then whatever time you are left with, now whatever time you saved, use this in difficult questions. That is my strategy. That should be your strategy as well. Are you feeling confident now? Are you feeling confident? Yes or no? If you are feeling confident, you can do anything in the world. And that is the purpose of this session. All right? You have test series for practice. I'm here to give you the confidence and some tricks as well. अंशुल रिमेंबर, तो मैंने एक बार पहले बोला था, वो महाभारत में शायद हुआ था या फिर रामायण में महाभारत में, कहाँ हुआ था कि मछली का तीर नीचे कढ़ाई में ऑयल था, एंड देर वॉज फिश, एंड देर वॉज लाइक, समझ गए, तीर कमान उसने मारा था, वो वाला रखना है आपको, जो आपको चाहिए वहाँ रखो यार, इधर उधर नहीं झांकना है किसी को, ठीक है, जिससे प्यार करते हो बस उसको देखो, इधर उधर नहीं देखना है, ठीक है, आई लव माई कीवर्ड्स, मुझे आपके बारे में नहीं पता आप क्या प्यार करते हो, मैं भी एंड आई वॉन्ट कि यू ऑल्सो लव द कीवर्ड्स, ठीक है, आज के बाद में लिखो कीवर्ड इज द बे. अंशिका आरसी विल कम, ओके आरसी, एंड आई कैन टेल यू इन द आरसी क्लास यू विल लव इट बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड द कंप्लीट महाभारत, द कंप्लीट गीता, तुम सब समझ चुके हो उससे पहले ही. ऑल राइट, ओके गायत्री, इफ दिस इज योर फर्स्ट क्लास, वॉच माय प्रीवियस 20 क्लास, यू विल फील ऑसम, यू विल फील कॉन्फिडेंट, आई कैन टेल यू, ठीक है, आई होप यू विल वॉच एवरीथिंग. नेक्स्ट, विच नॉट सेंटेंसेज दिस कैन नॉट बी, एनालाइज द स्ट्रक्चर, दिस इज अ वर्ब, आई टोल्ड यू ना वर्ब, सॉरी, विच रिलेटिव प्रोनाउन, आई एम सॉरी, ऑल राइट, बट पैराग्राफ्स, but cannot be the opening conjunction, I told you no, conjunction, preposition and verbs, ruled out them, I'm looking for only subject, subject means a noun, a proper noun, a common noun, whatever it is, it has to be a subject, okay, of the passive, an active reader, thank you, only E can start, E, A ruled out, A ruled out, we have EB, EB and EB, EB is the pair, now the next part will decide the answer, EBC, EBD, EBA. Now you decide. Okay, I'm using too much energy. Okay. Which one is your answer? Let's read. An active reader, E, and then B. Analyze the structure. Structure kiska hota hai paragraph ka? Of the passage. An active reader, analyze the structure of, this was also 12 second or 15 second, but not more than that, maybe 10 second, if you are following, if you have been following me for last 15 days, okay. प्लीज चेक योर आंसर, गलत कैसे कर दिया भाई. भाग्यश्री ऑसम, अंशुल गलत कैसे कर दिया भाई लोग, डेली आया करो और अपने 10-10 दोस्तों को लेके आओ, आपके सबके, आप सारे कॉलेज पास आउट हो, ठीक है, अपने मोहल्ले वाले लोगों को, कॉलेज वालों को, कोचिंग वालों को, सबके ग्रुप्स हैं आपके, एटलीस्ट मेरे वीडियो सबको पहन रहो, अगर मेरे अच्छे व्यूज आएंगे मैं अच्छा फील करूंगा, मोटिवेटेड, इन रिटर्न यू विल गेट ऑसम ऑसम थिंग्स एक्चुअली. So this is two-way thing, ठीक है, you help me out and I'll give you the best of solution for everything in life, ठीक है, life की problem है बताओ मुझे, अगर English का problem है, English का problem नहीं होगा, कोई chance ही नहीं है, ठीक है, ये option exist ही नहीं करता, English का problem है, no, किसी को कोई मिले बोला कि ना वो जाके watch कर लो, English का problem नाम का subject sentence अब exist ही नहीं करेगा आपकी dictionary में. All right, अरुण कुमार, I'm impressed, अरुण कुमार I'm impressed. अरे ये गलत है, क्विक जजमेंट नहीं होना चाहिए, वेरीफाई, एक होता है ना, एक पर्सन को हम लोग देखते हैं और कि अरे यार बड़ा अच्छा है या फिर बड़ा खराब है, डोंट डू दैट, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, बात करो, फिर डिसाइड करो.
again. All right, now we have next question. Again, the target is 10 seconds. मेरे पास टाइमर नहीं है, टाइमर नहीं लगाना है भाई, माइंड सबसे बड़ा टाइमर है बॉस, ठीक है, माइंड इज वेरी पावरफुल, आओ भाई. बट प्रोसेस बट कैन नॉट बी ओपनिंग, लार्ज क्वांटिटी इज इक्वली बैड, ओके. स्मोकिंग इज डेट्रिमेंट, स्मोकिंग जीरण हो सकता है, ओके, टू योर हेल्थ. ई रूल्ड आउट, ई रूल्ड आउट और ए रूल्ड आउट, ठीक है, ऑल राइट, एंड यू नो दैट, ठीक है, मैनी नो दैट, मैनी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मैनी पीपल इन इंडिया, ठीक है ना, मैनी नो दैट, ओके. डी, मैनी नो दैट स्मोकिंग इज डेंट्रीमेंटल, नो वॉट, नो वॉट, स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ, बट प्रोसेस शुगर इन लार्ज क्वांटिटी इज इक्वली बैड. मतलब छुट्टा मारते हो वो भी गलत है, ज़्यादा ज़्यादा प्रोसेस शुगर खाते हो वो भी उतनी ख़राब है. खाएं तो खाएं क्या, करें तो करें क्या, कुछ मत करो, नरेंद्र सर का क्लास करो, सबको बता दो. इंद्रानिल, मुझे पता इजी क्वेश्चंस है, बट द फनी पार्ट, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज 5 सेकंड में 10 सेकंड में 7 सेकंड में खत्म करो. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस इन 7 सेकंड क्विकली. अरे अरुण कुमार, आई नो तुम्हें मेरा पॉइंट समझ में आ गया, यू हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट, माय थॉट प्रोसेस, सो नो सॉरी, गलती हो जाएगा. आइडिया, इट्स नॉट अबाउट द गेटिंग करेक्ट आंसर, इट्स अबाउट गेटिंग द करेक्ट अप्रोच, करेक्ट ट्रिक्स, करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड. इस क्लास में वो मिलता है आपको, क्वेश्चंस तो सब करा रहे हैं, ऐसा ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, ओके. सो बी कन्विंस्ड, स्टे फोकस्ड, कीप वॉचिंग एवरी डे, कीप वॉचिंग एवरी डे. हर रोज 4-5 बच्चों को लेके आओ अपने साथ में, जैसे बिल्ला है, बिल्ला यहाँ पे किसी को लेके आया था अपने साथ में, ठीक है, तो उनका एक बन गया, अब ये दोनों आपस में डिस्कस करते होंगे, तो ऐसे आप भी करो, आपका रूम पार्टनर है, ब्रदर सिस्टर है, कोई भी है, उसको लेके आओ और आपस में डिस्कस करो. अरे सर यार, याद है सर ने एक वो कीवर्ड बोला था, याद है सर ने प्रोनाउन अप्रोच बोला था, रिमेंबर द कीवर्ड अप्रोच, रिमेंबर, तुझे याद है कैसे बोला था, डिस्कस करो, तुम उसको पढ़ाओ, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट. नफीज मोहम्मद, यस ऑसम नफीज, आई एम इम्प्रेस्ड. ऑल राइट, क्विक अगेन, विद इन 7 सेकंड टू 10 सेकंड. लीड इन जनरेटिंग, हैज टेकन, रूल्ड आउट, बी रूल्ड आउट, बी कहीं पे है क्या, आपने बी वहां खत्म किया और ऑप्शन में बी खत्म कर दो, बी खत्म कर दिया, ठीक है. आई एम ग्लैड दैट द प्लानिंग कमीशन, द प्लानिंग कमीशन, द सब्जेक्ट, द नाउन, द IMF, द यूनाइटेड नेशंस, समथिंग लाइक दैट, ओके. एंड वन मोर थिंग, इफ आई हैव प्लानिंग कमीशन मीन सब्जेक्ट ना, तो आई एम लुकिंग फॉर अबाउट नरेंद्र मोदी, रिमेंबर माई एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी हैज डन समथिंग, नरेंद्र मोदी सैड, नरेंद्र मोदी आस्ट, नरेंद्र मोदी किल्ड, कुछ तो होगा ना बॉस, ठीक है, तो वेयर इज द वर्ब, अब बताओ ये इसके साथ में जाएगा या फिर ये वाला जाएगा, सी को भी करो, सी को भी चेक करो, ठीक है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वी हैव टू पॉसिबिलिटीज इन दिस सेंटेंस, मैंने बोला था वेरीफाई करना जरूरी है, मुझे लगा कि प्लानिंग कमीशन से जा सकता है, फिर यहां पे देखो आई एम ग्लैड दैट भी लिखा हुआ है, तो ये भी इक्वली है, तो दोनों को वेरीफाई करना है. अब मेरे पास सी वाला वेरीफाई करना है और डी वाला, बाकी कोई नहीं जा सकता, तो देखो दिस रूल्ड आउट, दिस रूल्ड आउट और दिस रूल्ड आउट, ओनली सी वाला चेक करना है और डी वाला चेक करना है, सिर्फ इतना इतना बचा. देख रहा मैं कैसे जा रहा हूं, दो अगर बड़े बड़े नाउन्स है ना, इफ वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, कंसिडर बोथ पॉसिबिलिटीज, गलती हो सकती है भाई. ऑल राइट, यस, फोर्थ इज राइट आंसर, CDE, सी द प्लानिंग कमीशन, ठीक है, सॉरी सी ए राइट, द आई एम ग्लैड दैट द प्लानिंग कमीशन हैज टेकन, मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि प्लानिंग कमीशन के साथ में ये आएगा, तो मेरी चीजें देखो, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आ रहा है, प्लानिंग कमीशन में हैज मैंडेटरी पेयर, इट वाज अ मैंडेटरी पेयर, एंड दिस वर्ब, ठीक है, और बी रूल्ड आउट द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन,
सबको समझ में आ गया ना? कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो, इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ये तो एक सिंगल सेंटेंस है, इतना बड़ा पैराग्राफ हम लोग 60 सेकंड में सॉल्व किया है, बिलीव नहीं होता है। तो राइट नाउ, ठीक है, अपनी कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो पैराग्राफ कंप्लीशन, समरी ऑफ द पैराग्राफ, पैरा जंबल्स, स्टेटमेंट, इन्फरेंस, फ्रेज कनेक्टर। ये इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट, और उनको भी हम लोग सेकेंड्स में सॉल्व किया है। ठीक है, ये तो चलो एक सिंगल सा सेंटेंस है, सो एनीबडी लाइक ओके सर इट जस्ट अ सिंगल सेंटेंस, यू नो वी कैन डू दैट इन लाइक 2 सेकंड, ओके, बट आपको पता है तो नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन आज आपके पास बिल्कुल आंसर गलत का भी नहीं होगा। पीछे वाले जाके वीडियो जरूर देखो, नहीं तो फिर देर इज नो पॉइंट ऑफ, लीव द क्लास राइट नाउ एंड वॉच कपिल शर्मा शो और एनीथिंग कैट वीडियोज। ठीक है, अगर सीखने आए हो तो उन वीडियोज को जाके देखो और कमेंट करना, बताना मुझे कि सर क्लास कैसा लगा। ठीक है, आई वॉन्ट योर कमेंट्स। अरुण कुमार, देखो तुम्हारा तो अरुण कुमार रजनीकांत हो गया भाई, बट मैं चाहता हूँ मेरी क्लास में हजारों रजनीकांत निकले। ठीक है, चिंटी रोकेट रोबोट याद है, चिंटी मूवी, ओके, मुझे उसकी बहुत वो बात पसंद, हालांकि वो तो मूवी थी और वो रोबोट था, रिमेंबर, अगर किसी ने वो चिंटी या चिट्टी क्या नाम था उसका, रोबोट मूवी का, उसमें एक सीन है कि रजनीकांत सलून में बैठा हुआ है और वो क्या है कि कहता है कि चलो ये सर हेयर कट कर दो, मतलब वो रोबोट बैठा होता है और वहाँ पे मैगजीन देता है कि सर पढ़िए, वो यूं करके 50 मैगजीन पढ़ देता है, वो पागल हो जाता है सलून वाला। ठीक है, तो हमें भी वही करना है, विद इन सेकेंड में सब खत्म करो, बी द रोबो। ऑल राइट, अबे यार मैं बातें कर रहा था आपको, आपने सॉल्व कर दिया, बट एनी वे लाइक ऑलवेज आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी। ओके बिल्ला, गो फॉर इट। अब तो आप मेरे को ही भगाना चाहते हो, कहते हो सर आपका काम खत्म हो गया, अब आप यहां से जाइए, वी डोंट नीड यू एनी मोर, बट ठीक है, आई डोंट माइंड, इफ आई हैव डन माई जॉब आई एम ओके। ठीक है, ब्रिंग न्यू स्टूडेंट्स, अब मैं उनको ट्रेन करूंगा, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। ओके, तो व्हाट इज द आंसर इन सिक्स क्वेश्चन नंबर 6, जेनेटिक ग्रोथ इज स्ट्रांग, वी नीड टू इंक्लूड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, दिस माइट बी द ओपनिंग पार्ट। ठीक है, कंसीडर ऑल द पॉसिबिलिटी, फाइंड ऑल द पॉसिबिलिटीज। देयर इज ओनली वन थिंग, मैंने देखा वी, और मैं पता है वी देखने जाता, ठीक है, दिस रूल्ड आउट B and B. Now BA, BD or BC. B need to include value based knowledge. Generations grow up with the strong. No, doesn't make sense. All right. We need to include value based knowledge. ठीक है, value based knowledge. All right. इन द एजुकेशन सिस्टम, नॉलेज कहां होता है, एजुकेशन सिस्टम में होता है, नॉलेज कहां होता है, एजुकेशन सिस्टम में होता है, डन, बी डी इज अ करेक्ट आंसर। सबको सही मिला कि नहीं, सब लोग समझ गया, सिर्फ वी नीड्स हिंट था कि ओपनिंग में बैठेगा। अंकिता, आपको नहीं भगा रहा, आप लोग मुझे भगा रहे थे, बुरा क्यों मान गए भाई। जस्ट किडिंग, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आप लोग जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग चला जाएगा और आप लोग मुझे नया स्टूडेंट देके जाना। ठीक है, वो गुरु दीक्षा होता है ना भाई, हमें कोई बहुत बड़ा गुरु तो नहीं हूं, ठीक है, आई एम जस्ट अ रेगुलर टीचर एजुकेटर, ठीक है, आई एम योर फ्रेंड, सो बस मेरे को नए फ्रेंड्स देके चले जाना, अकेला ना पड़ जाऊं मैं। होप यू गॉट माय पॉइंट। आशीष कुमार, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आई वांट 7 सेकंड, महेंद्र सिंह धोनी का फेवरेट नंबर 7 है, मेरा भी फेवरेट नंबर 7 है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। Shipping companies noun,
हो गया. शुड फोकस ऑन वर्ब, ये तो हो नहीं सकता. सी कहाँ है सी हमारे पास में? सॉरी हाँ डी डी, ये तो डी पार्ट है, ये वाला डी पार्ट डी 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 डी. ओके बी एम ओनली बना. कितना लोग इसको 5 सेकंड में किया था, 5 सेकंड मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे सामने एकदम देखना पड़ता है ना क्लोज, मुझे टाइम लग रहा है. आप तो स्क्रीन पर देख रहा है, 5 सेकंड से नीचे वाले कितने लोग हैं, जस्ट टाइप 5 सेकंड. मेरे तरीके से चलो, कभी फेल नहीं हो सकते. आप अपने जैसे 50 लोगों को और बना दोगे. कितना लोग 5 सेकंड में किया था मुझे वो चाहिए. अरुण व्हाट्स योर स्टेटस नाउ? बिल्ला व्हाट हैपेंड टू यू? बिल्ला यस, अच्छा लग रहा है आज आप लोग फिर से आए हो. दोनों सेशन में आया करो, कोई ऑफलाइन क्लास नहीं चाहिए, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इससे बेटर क्लैरिटी आपको कोई नहीं देख सकता. अगर आप फिर भी नहीं देख रहे हो, इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट दैट यू आर, कि आपने ये सब छोड़ दिया. नेवर लीव इट जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है. और सिलेक्शन हो जाए तो एक वीडियो के नीचे कमेंट करके चले जाना, मुझे आपके नाम याद रहेंगे, आपकी ये जो यूजर नेम्स होते हैं याद रहेंगे. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर आठ, क्लाइमेट चेंज है. क्लाइमेट चेंज सब, दिस माइट बी द लाइक ओपनिंग पार्ट, क्योंकि इसमें नाउन लिखा है बड़ा सा, बट मैं अभी जजमेंट नहीं करेगा. ठीक है, आई विल वेट. वर्ल्ड फूड सप्लाईज द पोटेंशियल, ओके, हैज वॉट? क्लाइमेट चेंज हैज वॉट ऑब्जेक्ट? आंसर, आई गॉट इट. ए एंड बी इज अ, नो, ए एंड सी इज अ पेयर. नहीं अंशुल, मिठाई का डिब्बा नहीं चाहिए, बस एक आपका एक कमेंट चाहिए. फेसबुक पे मुझे सर्च कर लेना नरेंद्र कुमार नाम से, और वहाँ पे जाकर के मेरी बॉल पे पोस्ट कर देना, बस दैट्स इट. और अंशुल अपने कॉलेज वाले सारे बच्चों को बता दो कि यार इंग्लिश पढ़ लो, इन्फोसिस, ठीक है, TCS, UPSC का जो इंग्लिश सेक्शन, या फिर SSC बैंक, अगर इंग्लिश कहीं भी देना चाहते हो, विदेश जाना है, कनाडा जाना है आपको, सबको बोल दो कि कॉन्सेप्ट यहां से सही कर लो. MD अंसारी, आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट क्लास. ठीक है, आई हैव अ मैसेज फॉर यू, वॉच ऑल माई प्रीवियस क्लास एज वेल. ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. गायत्री, आई होप यू आर इंजॉइंग. यस गायत्री, यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर, ऑसम. ओके, यू आर बीइंग वेरी अटेंटिव, दैट्स वेरी इंप्रेसिव. स्टूडेंट का कुछ क्वालिटी होता है अटेंटिव होना. ठीक है, मैं स्टार्ट हो जाता हूँ. डिसिप्लिन्ड होना, एंड देन बिलीव करना, सेल्फ बिलीफ, एंड टीचर में बिलीव करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर 4 था उसका, 4 आंसर था करेक्ट आंसर. डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल. मेरिक्यूरी लव एज एन इमोशन. ओके, इफ साइंस इज अ मेजरमेंट, साइंस इज डिफाइंड बाई एंड मेजर. ई रूल आउट, ई कहीं पे है ही नियर, नो प्रॉब्लम. ई रूल आउट एंड ए रूल आउट. ओके, नाउ DC, ओके, एंड बी. मेरिक्यूरी लव एज एन इमोशन, मेरिक्यूरी नेम है, वी हैव टू कंसिडर. नाउ इट्स अप टू यू, प्लीज आंसर. हाँ अंकिता तो आईफोन लेके आएगी, यस उस दिन बात हुई थी हमारी. ओके थैंक यू, पहले जॉब लेके आओ और घर पे माँ बाप को बोल दो, मम्मी पापा को बोल दो, ठीक है मैं जॉब ले रही हूँ, एक आईफोन का इंतजाम करो. ऑल राइट, क्या जस्ट किडिंग, कुछ नहीं चाहिए. ये मत बोलना कि इंग्लिश टीचर है वो बच्चों से फ़ोन मांगता है. कुछ होते हैं ऐसे स्टूपिड, वो जाके नेगेटिविटी फैला देंगे और डिसलाइक कर देंगे वीडियो को. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट योर जॉब, और उसमें मुझे आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग बैक.
बताओ क्या करेक्ट आंसर है क्विकली. ओहो हो, यू नीड मोर नॉलेज टू करेक्ट आंसर. यू नीड मोर नॉलेज टू करेक्ट आंसर. अंकिता करेक्ट आंसर. ओके, बहुत सारे लोगों ने बीए किया हुआ है. बीए किया हुआ है, बैचलर ऑफ आर्ट्स किए हो क्या, इंजीनियर हो कि नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, एनालाइज करो. ओके सब यार, फिर जिंदगी के मजेदार में यार अरुण यही बात गड़बड़ कर जाते हो. ये शायरी मत करो, एक अपना फेसबुक का पेज बना लो ठीक. अरे हाँ सुनो सुनो, याद आया, राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ प्रॉब्लम सॉल्व. मुझे पता नहीं था उसमें सर्च कैसे करते, टेलीग्राम में लिखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अभी सर्च करना क्लास के बाद में. इंग्लिश वाई नरेंद्र सर, NARN लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो, कहीं पे लैपटॉप में कहीं भी लिख लो आपके पास. इंग्लिश वाई नरेंद्र सर, सर्च दिस चैनल ऑन क्या है वो हमारा ये टेलीग्राम, इंग्लिश वाई नरेंद्र सर, वहाँ पर सर्च कर लो और वहाँ पर जाकर के मैं आपको सबको PDF दे दूंगा. मैंने यार 20-30 क्लास करा दी है, सबका PDF एक साथ पहुँचा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना. और आंसर और एक्स्ट्रा बुक्स पता नहीं क्या क्या देने वाला हूँ, और उसमें सब लोगों को ऐड करते रहो ठीक है. चलो सबको पता चल गया, यस सर लोग कमेंट में सब लोग लिख दो इंग्लिश वाई नरेंद्र सर टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि लिंक तो काम कर नहीं रहा है, लिंक इज नॉट वर्किंग. इफ यू हैव अंडरस्टूड द नेम ऑफ माई चैनल, आप लोग तब से पूछ रहे थे PDF कैसे होगा, मैं भी बड़ा परेशान हो रहा था ठीक है. ओके सर थैंक यू, आई वॉज वेटिंग फॉर योर टेलीग्राम चैनल टू गेट PDFs. ओके रीना, इंग्लिश बाई नरेंद्र सर. और अगर एक लोग काम करो, जल्दी से जाओ और सर्च करके देखो, इफ इट इज वर्किंग प्लीज कमेंट करो यहाँ के ठीक है, नो प्रॉब्लम. ये हमारा घर है, हमारा चैनल है, हम लोग, हमारा स्पेस है 12 to 1 ठीक है. हम आराम से पढ़ेगा, अच्छा फील करेगा, बहुत अच्छे से सॉल्व करेगा, कॉन्फिडेंस से जाएगा एग्जाम में, IPS तोड़ देंगे, फोड़ देंगे. इज इट वर्किंग इंग्लिश बाय नरेंद्र सर, हैव यू जॉइंड, इज इट वर्किंग फॉर यू. लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला था, लिंक इज ऑलरेडी देयर बट इट्स नॉट वर्किंग. इफ यू क्लिक ऑन इट, इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली. आई थिंक इट्स अ चैनल, चैनल और ग्रुप, there is a confusion for that. Okay, I'll come up with another solution. ठीक है, आज के रात वाले वीडियो में आना ठीक है, एंड वहां पर मैं कुछ सोल्यूशन लेके आता हूं, रात को सोल्यूशन लेके आता हूं, फिर से आना. ओके तो फाइनली दिस इज आवर करेक्ट आंसर. लिसन If science is measurement, if science is measurement, okay, and measurement is, science is measurement and measurement is further discussion, continuation of thought. If science is measurement and measurement is science as defined by, so this is correct answer. सबको clear हो गया? Question number 9 सबको clear है? Please बताओ. प्लीज लेट मी नो इज इट क्लियर क्विकली. ओके आई विल फाइंड आउट इफ इट इज अ ग्रुप और अ चैनल. ओके अगर वो अच्छा होगा तो ठीक है, मैं उसे डिलीट कर दूंगा, नया बना लेंगे. यार हमारा घर है, हम हर रोज मिलने वाले हैं, सो नो पैनिक. एक बार मेरे से जुड़ गए ना आप चैनल पे, तो सारा कुछ मिलता रहेगा, वहां बातें होती रहेंगी हमारी ठीक है. तो आई मेक अनदर ग्रुप एज वेल, डोंट वरी आई फिगर आउट समथिंग. एटलीस्ट अभी उसमें भी आ जाओ, इंग्लिश बाय नरेंद्र सर जो मिल रहा है बस आ जाओ, मेरा मैसेज तो मिल जाएगा ना आपको कम से कम. ओके एटलीस्ट आई कैन पोस्ट ना. हे गाइज, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर राइट नाउ. 40 गाइज है, बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है. मेक श्योर कि इसको 100 करो, और आप ही कर सकते हो ये लोग ठीक है ना. इस चैनल में सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है, तो दैट मींस कि ठीक है, ज़्यादा बच्चों को अवेयरनेस भी हुआ नहीं है. लेकिन आप 40 लोग अगर 5-5 लोगों को भी बता दोगे जाके, तो 200 हो जाएगा. इफ यू थिंक दीज क्लासेस आर हेल्पिंग यू, नाउ इट इज़ योर टाइम ठीक है टू गिव बैक ठीक है. 5-5 लोगों को कन्विंस करके लेके आओ डेली क्लास करने के लिए.
एंड दे विल थैंक यू फॉर दैट. यहां पे सब फ्री में चल रहा है, ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. आज मैं 20 क्वेश्चन लेके आया था पहले, लेकिन हम 10 ही कर पाए. नो प्रॉब्लम, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो ठीक है शुरुआत है. मोहब्बत का आकाश होगा, क्या होता है वो गाना, लिख के दिखाओ. चलो हम गाना भी करेंगे बाद में, पहले अपने करेक्ट आंसर्स करते हैं. द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आई होप एवरीबडी आंसर. 40 आंसर चाहिए राइट नाउ. 42 गाइज, देर आर 42 गाइज. आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट, ठीक है. ऑन लुकर मत बनो कि हाँ ये लोग क्या कर रहे हैं, चलो ठीक है देखते हैं. मैं नहीं कर रहा, डोंट डू दैट. पार्टिसिपेट करो, हेलो बोलो कम से कम, यू नो बी पोलाइट एट लीस्ट, ट्राई टू पार्टिसिपेट. ओके, ऑफ इंडिया रूल्ड आउट टू परस्यू गारंटर्स ऑफ रूल्स अलाउ द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है ना, अगर मैं इसको करने को जाता मैं इसको 5-7 सेकंड में कर देता, 5 सेकंड में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है ना, ऐसे ही इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया. देखो ये बोर्ड लिखा है और मैं हटा देता हूँ. वेट ठीक है, चलो नहीं हटाता. इधर देखो, ये यहाँ पे बोर्ड लगा है और ये बोर्ड देखो ऑफ इंडिया लिखा है. तो मैं समझ गया था कि डी और ए का रिलेशन है, डी ए. मैं इसको 5 सेकंड में करता क्योंकि मेरी रीडिंग हैबिट है, ठीक है. आई रीड अलॉट, आई मीन्स अ स्टूडेंट मैं, ठीक है. आप रीड बहुत करते हैं, यू रीड अलॉट, सो यू नो हाउ थिंग्स वर्क्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वैसे ही क्या बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. तो बोर्ड और ऑफ इंडिया साथ में आएगा, दे विल बी मैंडेटरी पेयर एंड दैट्स इट. देयर इज ओनली वन मैंडेटरी पेयर स्टार्टिंग विद डी ए. बी गॉट इन 5 सेकेंड. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड की दिस क्वेश्चन कुड बी सॉल्व या कैन बी सॉल्व या विल बी सॉल्व इन 5 सेकेंड. कौन बोलेगा? एम डी अंसारी, आई एम इम्प्रेस्ड. ओके, वॉच ऑल माई वीडियोज इफ यू आर रियली सीरियस फॉर योर ड्रीम्स. एन इंग्लिश सेक्शन इज प्रॉब्लम फॉर एवरी वन. I have a solution. Please be convinced. Watch all my videos and leave a comment on each video. कैसा लगा, कितना तारीफ है, सब कुछ लिखे जाओ. कोई नेगेटिव बात है कि सर ये पसंद नहीं आई, आपके बाल खराब थे, आपने आवाज़ आपकी खराब थी, आपका राइटिंग खराब था, या फिर मेरे को समझ में ना ट्रिक्स खराब थी, तो लिखो, मैं इम्प्रूव करूँगा उनको. समझ गया? अगर कोई नेगेटिव बात है तो लिखो, अगर पॉजिटिव बात है तो पक्का लिखो, ठीक है. ध्यान रखना. देखो सिखाने 3 सेकंड में किया है. वनीला विल्ला, आई एम इम्प्रेस्ड. आई कॉन्कर, यू आर यूजिंग माई वर्ड, आई कॉन्कर. ओके, भाग्यश्री ने 3-4 सेकेंड में किया है, ठीक है. आज से पहले आप इन चीज़ों को 4-5 सेकेंड कभी नहीं कर पाते थे, ठीक है. अब सुनो, जितने लोगों ने आपका एक टास्क किया जाते जाते बिफोर यू नो, अभी मेरे पास क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बट मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है. आपके पास एक सॉल्यूशन है और प्रॉमिस करके जाओ, ठीक है. जितने लोगों ने जितना सेकेंड में किया है, you know you have to forward this link to that much guys. If you have solved in 3 seconds, forward this link in 3 guys. If you took 10 seconds, forward this link to the 10 different guys, your friends, your family, your college mates. Can you do this? Tanuja, awesome. MD Ansari, okay, I'll make a video on that. Theek hai, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में होगा, लेकिन मैं अभी करा दूंगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट. तो क्या है कि मैं आपको रैंडम कुछ रूल्स बताऊंगा. मेरे सारे रूल्स एक बार फॉलो कर लो. याद रखना, मेरा कोर्स है जैसे डॉक्टर के पास बीमार आप होते हो ना, वेन एवर यू आर सिक एंड यू गो टू द डॉक्टर, ठीक है. एंड द पर्सन आस्क यू कि फॉलो दिस मेडिसिन फॉर 6 months. दिस इज द कोर्स, यू हैव टू फॉलो, ओनली देन यू विल रिकवर. दिस इज द सेम स्टोरी. प्लीज स्टॉप आस्किंग द डॉक्टर कि सर कैन आई यू नो गेट माई हेड इंजरी बैक इन टू डेज. नाउ इफ इट टेक्स 2 months ना, देन प्लीज हैव पेशेंस, ईट ऑल मेडिसिन रेगुलरली ऑन टाइम, ठीक है. बी डिसिप्लिन, बी पेशेंट. ओके, ठीक है. एक कोर्स है 5-6 महीने का, प्लीज कर लो. अभी आप कुछ नहीं गए हो, आप अभी 20, 21, 23, 24, 25, 26 ही हो गए आप लोग. अभी लाइफ में कुछ नहीं गया है, ठीक है ना.
बहुत कुछ अभी बचा हुआ है, इसलिए पेशेंस रखो एंड कोर्स पूरा कर लो, उसके बाद कभी कंप्लेन नहीं करोगे। अंडरस्टूड? आज के बाद अभी परेशान मत होना, ये परेशान होना कि सर के सारे वीडियो देखे कि नहीं, बार बार देखे कि नहीं, जो बोला वो फॉलो किया कि नहीं, हैव आई फॉलोड एवरीथिंग, हैव आई डन इट राइट, आस्क दिस क्वेश्चंस। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड आई हैव समथिंग टू से। ये वाले क्वेश्चंस तो मैं आपको बाद में कराऊंगा। हाँ, ऑल राइट, ठीक है, लाइक एंड शेयर कर देना आप लोग। यस, आप कर ही दोगे ऑफकोर्स ये वाला स्टोरी। और माय कूपन कोड सब याद रखना, जो लोग क्विकली आंसर्स चाहते हैं प्लीज़। अरे हाँ, मुझे याद आया, हेलो हेलो, ठीक है, मुझे याद आया, ये जो हमारा चैनल है अनअकैडमी प्लस है ना, कूपन कोड आज ही सब्सक्राइब करके चले जाओ और वहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फ्रेज कनेक्टर, 2 आवर्स का ऑलरेडी डन है, क्योंकि यहाँ तो मैं टाइम लगाऊंगा, यहाँ पे मेरे दिमाग में एक विज़न है, उसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तब तक लेके जाओ। वहाँ पे भी मैंने ऐसा ही किया था, वहाँ बाद में पढ़ाया था मैंने। तो प्लीज़ अगर आपका कोई जल्दी से एग्ज़ाम है, नरेन NARN लाइव लगाओ, डिस्काउंट लो, पैसे कम हो जाएंगे आपके, एंड देन स्टार्ट वॉचिंग। आई होप आप कन्विंस हो गए होंगे। ऑल द बेस्ट, कीप रीडिंग एंड रात को मिलते हैं 9 से 10।